सर बेल बंद किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। आप सुन लीजिए, बैठ जाइए महबूब जी, बैठ जाइए, लंबा सत्र है, मौका बहुत मिलेगा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं जाएगी प्रोसीडिंग में, बैठ जाइए, कोई भी बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगी, बैठ जाइए अभी। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, नए वर्ष में सुन लीजिए, नए वर्ष में सप्तदश बिहार विधानसभा के पंचम सत्र के शुभारंभ पर मैं आप सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कुल 22 कार्य दिवसों का यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर विमर्श होगा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय व्यय के व्यवस्थापन के अलावा अन्य वित्तीय कार्य, राजकीय विधेयक एवं गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि सत्र में ढेर सारे लोक महत्व के प्रश्न उठाए जाएंगे और राज्य के विकास तथा जन समस्याओं के निवारण के लिए आप सभी माननीय सदस्य गण बढ़ चढ़कर अपना योगदान करेंगे। विगत 17 फरवरी 2022 को बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष एवं विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर एक प्रबोधन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। तत्परता और संवेदनशीलता के साथ आपकी जबरदस्त सहभागिता के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के माननीय उप सभापति श्री हरिवंश जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, वरिष्ठ सांसदों, नेता प्रतिपक्ष और अन्य रिसोर्स पर्सन के सारगर्भित व्याख्यानों तथा उद्बोधनों से आप निश्चित रूप से लाभान्वित हुए होंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय समय पर ऐसे कार्यक्रम को किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सार्थक सहयोग से बिहार विधानसभा की ओर से ऐसे गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम समय समय पर होते रहेंगे। मैं अपने ओर से सदन के सभी माननीय सदस्यों की तरफ से मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पूरी सहजता से इस कार्यक्रम की महत्ता को लोगों तक पहुंचाया। इसके अलावा सभा सचिवालय तथा आप सभी माननीय सदस्यों के निजी सचिवों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भी जो उत्साह और भागीदारी देखने को मिली उससे मैं अभिभूत हूं। मैं आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम की सकारात्मक असर सदन के कार्यों की गुणवत्ता पर होगा। मैंने संसदीय प्रणाली को समसामयिक, जनोन्मुखी और उत्पाद बनाने का पूरा प्रयास किया है जिसमें आपका सहयोग निसंदेह प्रशंसनीय रहा है। संसदीय लोकतंत्र में विधायी निकाय जन अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह विमर्श का ऐसा केंद्र है जहां वाद विवाद और संवाद के जरिए समस्याओं के समाधान की राहें तलाशी जाती है। जनता की पहली निगाहें अनवरत हमारी निगाहवानी कर रही है। अतः यह हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक कर्तव्य है कि सत्र के दौरान मिले सीमित समय का सार्थक सदुपयोग हो। लोकतंत्र के इस पावन मंदिर की मर्यादा और गरिमा को ध्यान में रखते हुए हमें जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करना है। मुझे यह बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि बिहार विधानसभा के अपने डिजिटल चैनल बिहार विधानसभा टीवी के माध्यम से सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देश और दुनिया तक हो रहा है।
सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में बैठी जनता भी अब अपने विधायकों से रूबरू हो सकेगी। अतः हम सबका प्रयास होना चाहिए कि इस महान सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली तस्वीर दुनिया के सामने जाए। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि सब तीर्थों का एक तीर्थ हृदय पवित्र बना ले हम, आओ शत्रुहीन बना सबको मित्र बना ले हम, रेखाएं प्रस्तुत है अपने मन के चित्र बना ले हम, सौ सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। मुझे पूरा विश्वास है कि लोकतंत्र के सजग प्रहरी समाज और विधान के ज्ञाता के रूप में विधि और शुचिता के दायरे में रहते हुए आप इस सदन को लोक हित का प्रतिबिंब और शासन प्रशासन का दिशा निर्देश करने वाली संस्था के रूप में दुनिया के सामने ले जाएंगे। माननीय सदस्यगण, बिहार के राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के खंड एक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं फागु चौहान बिहार का राज्यपाल एतद् द्वारा एक साथ संवेद बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों को दिनांक 25 फरवरी 2022 को 10:30 पूर्वाह्न में संबोधित करना चाहता हूं और बिहार विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल पटना में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूं। फागु चौहान राज्यपाल बिहार 11:30। माननीय सदस्यगण, अब से कुछ देर बाद यानी 11:30 दोनों सदनों के सदस्यों के संवेद उपस्थित में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में होगा। महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत करने उन्हें सेंट्रल हॉल तक लाने के लिए मैं विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग भी इस हेतु निर्धारण स्थल पर आएंगे। इस बीच आप सभी माननीय सदस्य चलकर सेंट्रल हॉल में अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की समाप्ति के बाद पुनः इस सभावेश में आज के निर्धारित शेष कार्य होंगे। अतः आप सभी माननीय सदस्यगण अभिभाषण समाप्त होने के तत्काल बाद सेंट्रल हॉल से आकर इस सदन में अपना अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लेंगे। अब आगे की कार्यवाही सेंट्रल हॉल में होगी। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के माननीय उप सभापति श्री हरिवंश जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, वरिष्ठ सांसदों, नेता प्रतिपक्ष और अन्य रिसोर्स पर्सन के सारगर्भित व्याख्यानों तथा उद्बोधनों से आप निश्चित रूप से लाभान्वित हुए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय समय पर ऐसे कार्यक्रम को किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके सार्थक सहयोग से बिहार विधानसभा की ओर से ऐसे गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम समय समय पर होते रहेंगे। मैं अपने ओर से सदन के सभी माननीय सदस्यों की तरफ से मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पूरी सहजता से इस कार्यक्रम की महत्ता को लोगों तक पहुंचाया। इसके अलावा सभा सचिवालय तथा आप सभी माननीय सदस्यों के निजी सचिवों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भी जो उत्साह और भागीदारी देखने को मिली उससे मैं अभिभूत हूं। मैं आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम की सकारात्मक असर सदन के कार्यों की गुणवत्ता पर होगा। मैंने संसदीय प्रणाली को समसामयिक, जनोन्मुखी और उत्पाद बनाने का पूरा प्रयास किया है जिसमें आपका सहयोग निसंदेह प्रशंसनीय रहा है। संसदीय लोकतंत्र में विधायी निकाय जन अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह विमर्श का ऐसा केंद्र है जहां वाद विवाद और संवाद के जरिए समस्याओं के समाधान की राहें तलाशी जाती है।
जनता की पैनी निगाहें अनवरत हमारी निगाहवानी कर रही है। अतः यह हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक कर्तव्य है कि सत्र के दौरान मिले सीमित समय का सार्थक सदुपयोग हो। लोकतंत्र के इस पावन मंदिर की मर्यादा और गरिमा को ध्यान में रखते हुए हमें जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करना है। मुझे यह बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि बिहार विधानसभा के अपने डिजिटल चैनल बिहार विधानसभा टीवी के माध्यम से सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देश और दुनिया तक हो रहा है। सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में बैठी जनता भी अब अपने विधायकों से रूबरू हो सकेगी। अतः हम सबका प्रयास होना चाहिए कि इस महान सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली तस्वीर दुनिया के सामने जाए। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि सब तीर्थों का एक तीर्थ हृदय पवित्र बना ले हम, आओ शत्रुहीन बना सबको मित्र बना ले हम, रेखाएं प्रस्तुत है अपने मन के चित्र बना ले हम, सौ सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। मुझे पूरा विश्वास है कि लोकतंत्र के सजग प्रहरी समाज और विधान के ज्ञाता के रूप में विधि और शुचिता के दायरे में रहते हुए आप इस सदन को लोक हित का प्रतिबिंब और शासन प्रशासन का दिशा निर्देश करने वाली संस्था के रूप में दुनिया के सामने ले जाएंगे।